ऐसा है कि पिछले 15 साल में हम लोगों ने 6 लाख लोगों को रोज़गार दिया, और जब उनको मौका मिला मुझे नहीं लगता है कि 80-85 हज़ार लोगों को शायद जॉब दिया होगा। लोगों को पता है उस समय बजट तक नहीं पास होता था, ओवरड्राफ्ट लेते थे आरबीआई से, रिजर्व बैंक लाल झंडा दिखा दिया कि नहीं देंगे। तो जो सरकार बजट नहीं पास करे, जिस सरकार का कोई लेना देना है नहीं नौकरी से, रेलवे का केस अभी भी चल रहा है कि नौकरी देने के लिए जमीन लिए थे, सीबीआई में चल रहा है ना, यही ना नौकरी देके करते रहे। तो बिहार की जनता जानती है कि नीतीश कुमार ने जो स्किल मैपिंग किया है, स्किलिंग करने काम किया है, और 5 साल नरेंद्र मोदी की सरकार दिल्ली में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार यहाँ बनेगी, तो जो एक बेस बन गया है वो अगले 5 साल में आपको एक मेजर आपको लोगों को काम का अपॉर्चुनिटी बिहार में मिलेगी। राहुल गांधी कल आए हुए थे, जो प्रधानमंत्री जो है शहीद हुए थे उन पर जुमलेबाजी का आरोप लगा है, तो नॉन सीरियस आदमी है। बिहार का चुनाव है और बिहार के चुनाव में लोगों को पता है कि जब यूपीए की सरकार थी तो किस तरह यहाँ पर सारे चीज़ों में काम को रोकती थी, उन्हीं की सरकार थी, पता ही है। आज मुंबई में उनकी सरकार है, यही सुशांत सिंह राजपूत का केस किस तरह से वही जो कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दिया, अगर नीतीश कुमार इसको टेकअप नहीं करते तो पूरे केस को तो बंद कर दिया था, सही गलत सीबीआई जाने, लेकिन वही कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया था। आज महाअष्टमी है, अब महाअष्टमी का मैं शुभकामना देता हूँ पूरे बिहारवासियों को, और महाअष्टमी में रक्त बीज सब राक्षसों का नाश हुआ था, पता है ना, चंड मुंड रक्त बीज सब राक्षसों का नाश हुआ था। ऐसे ही बिहार में नीतीश जी ने अराजकता, अपराध, भ्रष्टाचार, परिवारवाद सबका नाश किया। महाअष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप तेजस्वी जी ने अपना प्रपत्र जारी किया है और 5 मुद्दे गिनाए हैं, कहा है कि बिहार सरकार जो है नीतीश सरकार, तेजस्वी जी को अपने घोषणा पत्र में ये जारी करना चाहिए कि कितने लोगों की जमीन उन्होंने लिखवाई, कितने लोगों की संपत्ति उन्होंने टिकट बेच के लिया, कितना पैसा वो कमाए, ये घोषणा पत्र उनको जारी करना। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन भी उनकी नहीं सुनता, ये नीतीश जी अपनी सभा में ही जनमत संग्रह करवा लें। पुलिस प्रशासन उनका सुनता है कि नहीं सुनता है, पहले वो अपना ना देखें। मैंने कहा कि वो अपना घोषणा पत्र जारी करें, कितने लोगों की जमीन उन्होंने लिखवाई, कितने लोगों से संपत्ति। राहुल जी का तो कोई धराटल ही नहीं है। तेजस्वी जी ने अपना प्रमाणपत्र जारी किया है और कहा है कि 5 मुद्दे हैं, बेरोजगारी और स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम मुद्दों को फिर से गिनाया है। देखिए, ऐसा है कि रोज़ नए नए मुद्दों को लेकर तेजस्वी जी आते हैं, इसलिए कि जो उनके साथ बैगेज इतना बड़ा है ना 15 साल का, कि उस बैगेज को कैरी करने में उनको दिक्कत है, इसलिए रोज़ नए नए नया एजेंडा लेकर के आते हैं। लेकिन 15 साल में लोगों ने देखा है कि कैसे सामाजिक समरसता के साथ नीतीश कुमार ने जात पात से ऊपर उठ करके इस प्रदेश का कल्याण किया है। इस प्रदेश के शिक्षा के क्षेत्र में ये लोग तो चरवाहा विद्यालय खोलते थे, ये क्या शिक्षा पर बोलेंगे। जो लोग चरवाहा विद्यालय खोलने की बात करते थे वो आज शिक्षा पर बात कर रहे हैं। जब इस प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ITI, ANM सेंटर बन रहे हैं, तब साथ में एक उन्होंने ट्वीट भी किया है और कहा है कि प्रशासन, पुलिस उनकी सुनती नहीं, जनता की सुनती नहीं, नीतीश कुमार जनमत संग्रह करवा। ऐसे ही कानून का राज कायम हो गया, कानून का राज बिना पुलिस की बातों को सुने हुए कानून का राज कायम हुआ। जिस जो इनके राजपाट में जो परिस्थिति थी, किसका कब अपहरण हो जाएगा, कौन डॉक्टर उठा लिए जाएंगे, कौन व्यापारी किसका किससे रंगदारी मांगा जाएगा, उस वो प्रश्न कर रहे हैं कानून के राज का। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।